हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। बच्चों की फेवरेट हो या बड़ों की फेवरेट, शादी हो या बर्थडे पार्टी, हर ओकेजन में बनती है ये डिश पाव भाजी। बड़े आसान तरीके से बिना किसी तामझाम के रेस्टोरेंट स्टाइल पाव भाजी अब आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम सारी सब्जियों को पका लेंगे। इसके लिए एक कुकर में थोड़ा ऑयल गरम करेंगे, इसमें जीरा और पाव भाजी मसाला डालेंगे और जल्दी से सारी सब्जियां डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। सब्जियों में मैंने एक कप गाजर, एक कप फूल गोभी, एक कप पत्ता गोभी, एक कप आलू और आधा कप बीटरूट लिया है। बीटरूट डालने से भाजी का कलर अच्छा आएगा और आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा चम्मच नमक डालकर सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कप पानी डालकर कुकर बंद कर लेंगे और 3 से 4 सीटियाँ लगाकर सब्जियों को पका लेंगे। अब चलते हैं भाजी बनाने के प्रोसेस में। इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल और उतना ही बटर गरम किया है। इसमें जीरा, हरी मिर्च, करी पत्ता ऐड किया है और प्याज डालकर 3 से 4 मिनट तक हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाया है। इसमें 2 छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट एक साथ अच्छे से पक जाए तो इसमें बाकी सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। मैंने आधा कप मटर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए शिमला मिर्च ली है और 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर धीमी आँच पर 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें सभी सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। 2 छोटे चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। सभी मसालों को एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। ढक कर धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब चलते हैं कुकर वाली सब्जियों की तरफ। कुकर ठंडा हो चुका है, सारी सब्जियां भी अच्छे से पक चुकी हैं। मैशर की हेल्प से सारी सब्जियों को मैश कर लेंगे। दूसरी तरफ भाजी का मसाला भी पूरी तरह से तैयार है, इसमें मैश की हुई सब्जियों को ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार फिर से मैशर की हेल्प से सब्जियों को मैश कर लेंगे। स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे कि 1 चम्मच नमक सब्जियों में हमने पहले से ऐड किया हुआ था। आधा नींबू का रस निचोड़ लेंगे और 1 कप पानी डालकर भाजी को थोड़ा सा पतला कर लेंगे। ढक कर धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पाव भाजी की भाजी तो तैयार हो चुकी है, इसमें ऊपर से बटर और हरा धनिया डालकर फ्लेम को बंद कर देंगे। पाव सेकने के लिए गरम तवे पर बटर, थोड़ा सा हरा धनिया और भाजी डालकर मिक्स कर लेंगे। पाव को बीच से काटकर इस तरह से तवे पर दोनों साइड से सेक लेंगे। तो हमारे ये मसाला पाव भी अच्छे से सिक कर तैयार हो चुके हैं। गरम गरम भाजी के साथ इसे सर्व कीजिए। उम्मीद है आपको यह स्पेशल पाव भाजी की रेसिपी पसंद आई होगी।
मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।